हेलो एवरीवन। देन आज के इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट में मैं लेकर आया हूँ, पैराग्राफ से शुरुआत करते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला लिखा हुआ है कि इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट आउट, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन ब्लैंक आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्योंकि पैराग्राफ अगर सोल्व करना है तो पहले क्वेश्चन पढ़ के उसके बाद पैराग्राफ पढ़ते हैं, तो वहाँ से आपका क्वेश्चन मिलता चला जाएगा और आपको दिक्कत जो होगी वो कम होगी, क्योंकि पेपर में टाइम कम रहता है। तो पहले हम क्वेश्चन आपका पढ़ लेते हैं। पहला दिया हुआ है शुड नॉट बी डॉट डॉट फ्रॉम, तो यहाँ पे आइसोलेटेड है, इंक्लूडेड है, इनकॉर्पोरेटेड है, पब्लिसाइज्ड है। उसके बाद सेकंड है ब्रिंग पुअर डॉट डॉट कंडीशन, ये आपके दो क्वेश्चन हो गए। अगला है कि डेवलपमेंट विल बी डॉट डॉट इन इंडिया, ये आपका बिगर है कि स्लोवर है कि फास्टर है कि पेस है। और उसके बाद 84 नंबर का प्रोग्राम्स आर वेरी डॉट डॉट, तो यहाँ पे इन एसेंशियल है, यूजलेस है, नेसेसरी है, ऑर्डिनरी है। उसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन एजुकेट हर डॉट डॉट फैमिली, तो यहाँ पे आपका 5 क्वेश्चंस हैं, पैराग्राफ पढ़ने के बाद हम समझ में आएगा। तो देन पैराग्राफ पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे विमेन जो है, विमेन शुड बी गिवेन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन लाइक मैन एंड दे शुड नॉट बी, यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि विमेन शुड बी गिवेन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन, तो यानी महिलाओं को भी वो अवसर सेम प्राप्त होना चाहिए जैसा कि हम लोगों को जो आदमियों को प्राप्त होता है, तो सेम वैसे ही जो है आपका रोल जो है वो महिलाओं के लिए भी लागू होना चाहिए, उनको भी सेम शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। एंड दे शुड नॉट बी, और जिसके लिए क्या वे शुड, अब यहाँ पे दे शुड नॉट बी, तो यहाँ पे ऑप्शन हम आते हैं, ऑप्शन में क्या दिया गया था तो यहीं पे हमें फिलअप करना है। दे शुड नॉट बी डॉट डॉट फ्रॉम, तो इंक्लूडेड, तो यहाँ पे कह रहा है कि पहला हमने हिंदी पढ़ा कि औरतों को भी वैसी शिक्षा देनी चाहिए जैसी आदमियों को मिलती है, जिससे कि आपके वो हाँ वो अलग नहीं रहना चाहिए, एक तरीके से वैसा सेंस निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या भरा जाएगा, तो इंक्लूडेड तो होगा नहीं, पब्लिसाइज तो होगा नहीं, इनकॉर्पोरेटेड तो होगा नहीं, यहाँ पे आपका हो जाएगा आइसोलेटेड, यानी ताकि वो हम लोगों से अलग ना रहें। तो यहाँ पे हम क्या फिलअप कर देंगे, तो यहाँ पे हम फिलअप कर देंगे कि दे शुड नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम एनी डेवलपमेंट एक्टिविटीज, यानी औरतों को भी हमारे जैसी आदमियों की तरह शिक्षा मिलनी चाहिए जैसे कि वो किसी भी डेवलपमेंट विकास जो विकास होने वाला कोई कार्य है तो उससे वो अलग ना रहनी चाहिए। तो यहाँ पे ये फिलअप हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम कि वुमेन कवर ऑलमोस्ट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, व्हिच मीन्स इफ वुमेन आर अनएजुकेटेड हाफ ऑफ द कंट्री इज अनएजुकेटेड, यानी कहा जा रहा है कि वुमेन कवर ऑलमोस्ट, यानी जो महिलाएं हैं वो कवर कर लेती हैं ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, यानी जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो जनसंख्या है उसका आधा भाग वो कवर कर लेती हैं। और अगर यहाँ पे कहा जा रहा है द कंट्री व्हिच मीन्स, यानी कंट्री का जो यानी आधा पार्ट कवर कर लेते हैं, क्योंकि उनसे ही आपका जो बच्चे बड़े होते हैं तो आप उनको देख देख के उन शिक्षा उन्हीं से पहले ही ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे उसके बारे में बताया जा रहा है कि व्हिच मीन्स आगे दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि अगर महिलाएं जो हैं अनएजुकेटेड हैं यानी अशिक्षित हैं तो हाफ ऑफ द कंट्री अनएजुकेटेड, यानी आपका अगर महिलाएँ अशिक्षित हैं तो पूरा का आधा देश ही क्या होगा अशिक्षित होगा, कहने का मतलब ये है यहाँ पे। और व्हिच ब्रिंग पुअर डॉट डॉट कंडीशन, तो यहाँ पे अब हम उस पैराग्राफ के मुताबिक क्या भरते हैं आगे, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ब्रिंग पुअर डॉट डॉट कंडीशन, तो यहाँ पे ब्रिंग पुअर कौन सी कंडीशन ले आएगी, तो सोशियो पॉलिटिको, यानी आपको सोशियो पॉलिटिको यहाँ पे कहा जा रहा है, तो सोशियो मीन्स हो गया सोशल समाज का और पॉलिटिको मतलब राजनीतिक, तो यहाँ पे ब्रिंग पुअर सोशियो पॉलिटिको कंडीशन, यानी आपका सामाजिक और राजनीतिक मतलब उसमें पुअर हो जाएगा वो, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। आपका आगे देखते हैं हम, आगे क्या है कि सोशियो इकोनॉमिक, यानी यहाँ पे क्या होगा सोशियो यानी सामाजिक और आर्थिक, और पॉलिटिको सोशियो यानी राजनीतिक और सोशियो, तो अगर ए गलत है तो आपका सी भी रॉन्ग हो जाएगा, और पॉलिटिको कम्युनल तो आपका राजनीतिक, और जो कम्युनल यानी सांप्रदायिक जो हो गया तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर वो अशिक्षित हैं तो आधा देश अशिक्षित है, और जो क्या लाएगा हमारे देश में, तो सामाजिक आर्थिक तंगी लाएगा, ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर 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 अशिक्षित देश है, अगर वहाँ के देशवासी जो हैं अशिक्षित हैं तो वो देश में क्या लाएंगे, तो सामाजिक आर्थिक संकट लाएंगे, संकट पैदा करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा पैराग्राफ के मुताबिक। यहाँ पे इतना पढ़ा, उसके बाद थ्रू द वुमेन एजुकेशन द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल बी, यानी हम अगर महिलाओं को शिक्षित करते हैं तो उनके थ्रू हम सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या कर सकते हैं, तो सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल बी डॉट डॉट इन इंडिया,
यहाँ पे हम थर्ड पढ़ते हैं तो डेवलपमेंट विल बी डॉट डॉट इन इंडिया, तो यहाँ पे क्या होगा, बिगर होगा कि बड़ा होगा, स्लोअर होगा, तो ये तो होगा नहीं। अगर पैराग्राफ हम अभी तक समझ गए हैं तो स्लोअर तो होगा नहीं यहाँ पे, पेस यानी शांति फुल, तो आपको शांति भी नहीं चाहिए हमें, बिगर और फास्टर में हमें कंप्रोमाइज़ करना है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं फिर से पैराग्राफ एक बार, तो पैराग्राफ क्या कह रहा है कि अगर कहाँ गया, थ्रू द वुमेन एजुकेशन द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल बी फास्टर इन इंडिया, क्या होगा फास्टर यानी तेजी से आपका डेवलपमेंट इंडिया में विकास जो होगा वो तेजी से होगा, ना कि बड़े लेवल पे होगा। बड़े लेवल पे कब होगा, जब डेवलपमेंट तेजी से होना स्टार्ट होगा तभी बड़े लेवल पे होगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फास्टर हो जाएगा, यानी डेवलपमेंट विल बी फास्टर इन इंडिया। तो उनके अगर शिक्षित हैं तो जो आपका डेवलपमेंट है इंडिया की वो फास्टर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपका ये भी फिलअप हो गया, उसका टू स्प्रेड द इम्पोर्टेंस एंड इम्प्रूव द लेवल ऑफ वीमेन एजुकेशन ऑल ओवर द कंट्री, कंट्री वाइड नेशनल प्रोपेगेंडा एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स आर वेरी डॉट डॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डॉट डॉट यहाँ पे खत्म हो गया। यानी कह रहा है कि टू स्प्रेड द इम्पोर्टेंस एंड इम्प्रूव द लेवल ऑफ वीमेन एजुकेशन, यानी अगर हमें वीमेन एजुकेशन को इम्प्रूव करवाना है और उनकी इम्पोर्टेंस को फैलाना है ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में, कंट्री वाइड, कंट्री यानी देश विदेश में अगर फैलाना है, नेशनल प्रोपेगेंडा अगर बनाना है यानी नेशनल यानी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में पहुंचाना है, एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स आर वेरी, देन क्या अवेयरनेस प्रोग्राम जो है आर वेरी, ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे हम अगला चौथा क्वेश्चन है, प्रोग्राम्स आर वेरी क्या हो जाएंगे, इन एसेंशियल, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, यानी अनावश्यक है वो, यानी कि आवश्यक है ना एक तरीके से, तो यूजलेस है ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ऑर्डिनरी तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, यानी ये तीनों नेगेटिव सेंस दे रहे हैं। देन यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है वो नेसेसरी, यानी प्रोग्राम्स आर वेरी नेसेसरी, यानी उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराना नेसेसरी है। तो यहाँ पे पैराग्राफ के मुताबिक यहाँ पे क्या हो जाएगा कि टू स्प्रेड द इम्पोर्टेंस एंड इम्प्रूव द लेवल ऑफ वीमेन एजुकेशन ऑल ओवर द कंट्री, कंट्री वाइड नेशनल प्रोपेगेंडा एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स आर वेरी, क्या हो जाएगा यहाँ पे नेसेसरी, तो यहाँ पे नेसेसरी हम फिलअप कर देंगे जो ऑप्शन सी वहाँ पे था। उसके बाद आगे है एन एजुकेटेड वुमेन कैन एजुकेट हर डॉट डॉट फैमिली एंड दस होल कंट्री, तो यहाँ पे होल कंट्री लिखा हुआ है, तो इसके मुताबिक यहाँ भी कुछ ही कुछ पूरा तरीके का सेंस हमें निकल के आएगा। अगर महिलाएं शिक्षित हैं तो वो अपने पूरी फैमिली को भी शिक्षित करेंगी और पूरे कंट्री को भी शिक्षित करेंगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन के मुताबिक हम क्या भरते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं पहले, तो यहाँ पे देखते हैं एजुकेट हर डॉट डॉट फैमिली, तो यहाँ पे पार्ट है और सम है होल, ये देखो यहाँ पे होल भी दिया हुआ है, वहाँ पे होल कंट्री लिखा हुआ है, वो होल फैमिली भी लिखा हुआ है, तो हम कुछ और देखेंगे नहीं, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। यानी अगर महिलाएं शिक्षित हैं तो अपने पूरी फैमिली को भी शिक्षा प्रदान करेंगी और अपने पूरे देश को भी शिक्षित करेंगी। तो यहां पे हो जाएगा एन एजुकेटेड वुमेन कैन एजुकेट हर होल फैमिली द एंड दस होल कंट्री, तो आपका पैराग्राफ यहां पे समाप्त होता है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम, अब क्वेश्चन आते हैं आपके जो आपके फिल इन द ब्लैंक, यानी यहां पे दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम द चॉइसेस प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, यहाँ पे दिया हुआ है द कमिटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लीविंग डॉट डॉट सीट, तो यहाँ पे दिया हुआ है कमिटी डिसाइडेड, कमिटी ने डिसाइड किया मैटर, मैटर को सोल्व करना, यानी द कमिटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लीविंग देयर सीट, यानी कमिटी ने डिसाइड कर लिया मैटर को बिना अपने सीट को छोड़े। तो आपके कमिटी जो है उसमें अलग अलग लोग बैठते होंगे, बैठे हैं, कमिटी बैठी है, तो अलग अलग लोग अपने अपने चेयर पे बैठे हैं या सीट्स पे बैठे हैं। तो यहाँ पे ये प्लूरल फॉर्म को सेंस कर रहा है, कमिटी तो एक ग्रुप है, लेकिन वो कह रहा है कि कमिटी ने डिसाइड कर लिया बिना अपने किसको छोड़े, तो सीट को छोड़े, तो कमिटी एक सीट पे तो बैठी नहीं होगी, वो अलग अलग सीट पे बैठी होगी। तो यहाँ पे होगा द कमिटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लीविंग देयर सीट, यहां पे हो जाएगा, तो ऑप्शन ए यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। यहां पे ना आपका यहां पे प्लूरल प्रोनाउन भर देंगे हम, सिंगुलर नहीं भरा जाएगा, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा और ये रॉन्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर आपका हो जाएगा। देन आपके आगे बढ़ते हैं कि रोहन हैज़ ऑलवेज बीन डॉट डॉट इंथुजियास्ट व्हेन इट कम्स टू ट्रेवल, तो यहाँ पे हमें आर्टिकल्स भरने हैं, अब इसके हिसाब से आर्टिकल्स क्या आएंगे वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे चलो मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि आपका यहाँ पे ई लगा हुआ है तो इंथुजियास्ट होता है, यानी आपके स्वर वोवेल्स में आ रहा है
ई, तो यहाँ पे क्या भर दिया जाएगा, एन लगा दिया जाएगा, एन इंथोजियास्ट हो जाएगा। उसके बाद आठवें नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि चॉइस द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवेन बिलो, तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस का हमें सही चयन करना है, बाई होम वॉज द विंडो ब्रोकन, तो ये आपका पैसिव में आपका फॉर्म हुआ है, इसको हमें एक्टिव में बनाना है, तो बाई होम का क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा, जो सब में है हु। उसके बाद आपका वर्ब की यहाँ पे वाज लगा हुआ है, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है, तो ये किस में होता है, जब हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट में होता है तब हम पैसिव बनाते वक्त उसके साथ वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो हमें पास्ट इंडेफिनेट ढूंढना है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले में नहीं है, पहला रॉन्ग हो गया, दूसरे में नहीं, दूसरा रॉन्ग हो गया, तीसरे में नहीं है, तीसरे में भी रॉन्ग हो गया, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी हु ब्रोक द विंडो, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, नहीं हु ब्रोक द विंडो। उसके बाद नाइन्थ नंबर का आपका क्वेश्चन है कि गिव द सिनोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, तो यहाँ पे हमें सिनोनियम देना है इसका, ओसिस का, ओसिस मीन्स क्या होता है, परासरण कह सकते हो, एक ये फिजिक्स का एक मीनिंग है, फिजिक्स का आपका वर्ड है ओसिस, ओसिस मीन्स कहते हो जो आपका ठंडी से थोड़ा रिलेटेड करता है, जहाँ पे थोड़ा सा नमी वगैरह हो तो उसे हम कहते हैं ओसिस, या परासरण कह सकते हो, आपका नम वायु कह सकते हो, मरुभूमि कह सकते हो उसे ओसिस को, तो इसका जो सिनोनियम हो जाएगा वो क्या रिलेट कर देंगे हम, तो स्प्रिंग हो जाएगा, यानी बसंत हो जाएगा इसका, जो आपका बसंत में थोड़ा सा उसमें भी नमी रहती है, तो थोड़ा सा यही कह सकते हो कि तो बरसात बरसात होती है, वसंत ऋतु जो आती है, स्प्रिंग हो जाएगा इसका। और अलग अलग ओपन मींस होता है खुला हो गया, आपका सोर मींस हो गया तो घाव होता है, अगर किसी भी कहीं पे आपको कट लग गया है, अगर वहीं पे घाव बन गया है तो सोर कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, सोर। और सैड मींस हो गया दुखी हो गया, तो यहाँ पे आप तीनों का मीनिंग मैंने बता दिया। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन का टेंथ नंबर है कि इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यहाँ पे ब्रैकेटेड पार्ट को हमें सही करना है, द मिलिटेंट वर्ब बीन लिखा है, द प्राइम टारगेट ऑफ द सिक्योरिटी एजेंसीज सिंस द जुलाई अटैक, यानी सिंस लगा हुआ है तो यहाँ पे हमें पहले ही फोकस कर लेना चाहिए, सिंस लगा हुआ है तो आपका जो सेंटेंस होगा वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा ही जाएगा, तो द मिलिटेंट वर्ब बीन ना होके द मिलिटेंट आपका क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे सिंगुलर हो जाएगा, समूह को डिनोट कर रहा है, तो द मिलिटेंट आगे कहीं भी प्लूरल प्रोनाउन की उपयोग नहीं किया गया है, तो द मिलिटेंट को हम सिंगुलर ही मानेंगे, तो द मिलिटेंट हो जाएगा आपका वर्ब बीन की जगह आपका हो जाएगा हैज बीन हो जाएगा, तो द मिलिटेंट हैज बीन द प्राइम टारगेट ऑफ द सिक्योरिटी एजेंसीज सिंस द जुलाई अटैक, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंट हो जाएगा, वो टेंस हो जाएगा। देन कैसी लगी आपको ये वीडियो बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में, एंड इसका पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर, वंदे भारत 2.0 टेलीग्राम चैनल का नाम है, वंदे मातरम 2.0 मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, तो टेलीग्राम पर आप जाइए, सर्च कीजिए वंदे भारत 2.0, सेम लोगो लगा है चैनल का, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को, और हर क्लासेस की पीडीएफ जो है मैं वहाँ पे प्रोवाइड करा देता हूँ, लिंक में इसलिए नहीं प्रोवाइड कराता हूँ कि कभी कभी होता है कि लिंक ओपन नहीं होती है, ड्राइव से ओपन नहीं होते, तो वहाँ पे थोड़ा सा इशू आ जाता है, इसलिए मैं वहाँ पे दे देता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।